स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई अगर आप देख रहे हो तो पिछले 15-20 दिनों में आपने एक सिटी का नाम जरूर सुना होगा, सेवरोडोनेट्स्क। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई सेवरोडोनेट्स्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ सिटी विच रशिया वांट्स टू कैप्चर, और मैं कहूंगा रशिया हैज कैप्चर्ड टू लार्ज एक्सटेंट। क्यों सेवरोडोनेट्स्क इतनी इंपॉर्टेंट सिटी बनती है, इससे हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि आगे चल के युद्ध में क्या होने वाला है, कब युद्ध खत्म हो सकता है, इसके बारे में चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच, लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू एमसीक्यूज के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज, और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से एमसीक्यू सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा, कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिविजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वॉज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था, पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिलता था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं, वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव यहां पे, यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। Let's get back to topic. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट यूक्रेनियन सिटी सेवरोडोनेट्स्क। ये क्यों हो रही है, क्योंकि रिसेंटली यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा सेवरोडोनेट्स्क एंड लिसीचांस्क बोथ द सिटीज आर डेड सिटीज, ऑल्दो अभी भी लिसीचांस्क में लड़ाई चल रही है। ये क्यों कहा है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाई सेवरोडोनेट्स्क वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों यहां पे इतनी ज्यादा भीषण लड़ाई चली, क्या ये इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह था, वॉज इट रियली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात चलेगी। चलिए समझते हैं इस एरिया की ज्योग्राफी को, जिससे हम आंसर ले सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेवरोडोनेट्स्क, कब लड़ाई रुक सकती है, ये भी हम लोग बात करें। सी दिस इज द मैप इन जनरल बिफोर द फाइट ऑल्सो। आप जानते हैं कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, और जब क्रीमिया को एनेक्स किया था, ये हम जानते हैं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन में बहुत ज्यादा एरिया था जहां पे आप रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे, उनका यहां पे दबदबा चलता था। दिस इज द सिचुएशन बिफोर द वॉर। अब जब वॉर शुरू हुआ, यानी कि फरवरी 24, 2022 को, फैग एंड ऑफ फरवरी, और मार्च में किस तरह का असॉल्ट चल रहा था और अभी किस तरह का असॉल्ट चल रहा है, इससे हम लोग समझ सकते हैं क्यों सेवरोडोनेट्स्क में इतनी ज्यादा भीषण लड़ाई हुई। देखिए, अगर हम लोग मार्च की बात करें, मार्च में युद्ध कुछ इस तरह से चल रहा था। हम लोगों ने बात की थी कि रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन फ्रॉम 3 साइड्स, फ्रॉम द क्रीमिया साइड, फ्रॉम द सदर्न साइड, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑल्सो। आप ये देख सकते हो असॉल्ट 3 साइड से चल रहा था, और उस समय पे मार्च अप्रैल में आपने जरूर सुना होगा कि 60 किलोमीटर एक कॉन्वॉय चल रहा है जो कीव के ऊपर, जो कैपिटल सिटी है यूक्रेन की, उसके ऊपर कूच कर रहे हैं। लेकिन दिस वॉज इनकंक्लूसिव बैटल, यहाँ पे कंटिन्यूस लड़ाई चली। हम जानते हैं कि यूक्रेन ने रिटेलिएट किया, सबको लग रहा था कि पहले यूक्रेन माइट सरेंडर, बट यूक्रेन डिड नॉट सरेंडर, फाइट चली। नेटो फोर्सेस ने समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन दिया, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस भेजे गए, बहुत सारा एड गया यूक्रेन को, इन्होंने काउंटर अटैक भी किया, सबसे पहले डिफेंस भी किया और काउंटर अटैक भी किया। और इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे यूक्रेन के अटैक की वजह से रशियन फोर्सेस एक बैकफुट पे जा चुके हैं,
मल्टीपल बैटल्स में से एक नेवल बैटल की बात कर सकते हैं जहां पे रशियन शिप मॉस्क्वा को मार गिराया नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन की, तो बहुत जगह पे असॉल्ट हुआ, यूक्रेन भी डट के लड़ रहा था। और कई जगह तो कुछ इस तरह की खबरें आई कि यूक्रेन हैज टेकन बैक सम ऑफ इट्स टेरिटरीज, और ये रिसेंट टाइम्स में हो, मई जून में हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते। जैसे ये जो जून वाला जो आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम जून 15, जहां पे ये जो ब्लू एरियाज है इनको यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया ये पता चला, और जहां पे भी रशियन क्लेम है रशियन कंट्रोल है वो अभी ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट हुआ, यानी कि जो नदन असॉल्ट था कीव के ऊपर असॉल्ट था वो रुक गया है, और रशिया इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर ओरिजिनल एम, दैट इज लिबरेटिंग लुहांस्क एंड द डोनेट्स रीजन फ्रॉम द सो कॉल्ड नियो नाजीज अकॉर्डिंग टू पुतिन, राइट। तो अभी लड़ाई कॉन्सेंट्रेट हुई है टुवर्ड्स ईस्टर्न यूक्रेन। अब यहाँ पे ऑलरेडी लुहांस्क एंड डोनेट्स यहाँ पे तो कब्जा है ही, आप देख सकते हो टुवर्ड्स मैरियोपोल, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड नाउ बाय द रशियंस। एक सिटी है जहां पे भीषण लड़ाई चल रही है वो है सेवरोडोनेट्स्क, और उससे थोड़ा सा नीचे ही आपको सिटी मिलेगी लिसिचा। अब सेवरोडोनेट्स्क एक छोटी सी सिटी है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस रहा है पहले से, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, मैं कहूंगा यहाँ पे सिंबॉलिक लड़ाई चल रही है। क्यों? एक छोटा सा यूनिट है जो पिछले दो दशकों से रशिया और यूक्रेन यहाँ पे दबदबा चलाते हैं अपना। 2004 में जब प्रोटेस्ट चली थी अबाउट अ रिग्ड इलेक्शन, तो उस समय पे सेवरोडोनेट्स ने एक मेजर रोल प्ले किया था यहाँ पे अगेंस्ट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। इन्होंने कहा था कि अगर ये इलेक्शन रिग्ड है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा, देन हम लोग रशिया से मिलिट्री असिस्टेंस ले सकते हैं। 2014 में भी जब अपराइजिंग हुआ था यहाँ पे, तो रशिया ने इन्वेड किया सेवरोडोनेट्स पे भी, कब्जा किया, इनफैक्ट प्रो रशियन ट्रूप्स यहाँ पे ऑक्युपाई करके रखी हुई थी सेवरोडोनेट्स को टिल द यूक्रेनियन फोर्सेस रिकैप्चर्ड इट इन जुलाई 2014। सो इट्स अ सिंबॉलिक फाइट विच इज गोइंग ऑन। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, सबको ये लग रहा था कि सेवरोडोनेट्स में लड़ाई नहीं होगी, यूक्रेन माइट स्टेप बैक, बिकॉज टेरेन को हम लोग देखें तो लिसिचांग इज अ बेटर सिटी टू डिफेंड। क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिवर गुजर रही है डोनेट्स, यानी कि सेवरोडोनेट्स से अगर ट्रूप्स को आना है लिसिचांग तो एक नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन चोज टू फाइट एट अ प्लेस कॉल्ड सेवरोडोनेट्स। वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट? इट वॉज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्यों? अगर सेवरोडोनेट्स के ऊपर कब्जा हो गया तो उसके बाद बड़ी जल्दी लिसिचांग के ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, उसके बाद द एंटायर डोनेट्स रीजन वुड गो टू रशिया। क्यों? क्योंकि एक बार वन सिटी इज गॉन, देन लिसिचांग इज गॉन, देन दे वुड मूव टू टू इंपॉर्टेंट सिटीज स्लोवियांस्क एंड करामाटोर्स्क। अगर आप इस मैप को देखोगे आपको समझ में आएगा, अभी फिलहाल सेवरोडोनेट्स और लिसिचांग मोर और लेस दे हैव फॉलन, मैरियोपोल हियर हैज फॉलन टू द रशियन। दो इंपॉर्टेंट सिटीज बच जाएंगी, वन टुवर्ड्स स्लोवियांस्क एंड अनदर टुवर्ड्स करामाटोर्स्क। अब ये अगर दोनों सिटी कवर हो गई तो जो रशिया का एम था कि डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन को हम लोग लिबरेट कर देंगे, यहां पे सारी मेजर सिटीज उनकी हो जाएंगी। और रशिया का जो वॉर एम था वो कहीं ना कहीं यही था। जब लड़ाई शुरू हुई थी कीव के ऊपर तो उन्होंने अटैक किया था, लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि खारकीव के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक चल रहा है, जहां से डेनिप्रो देन खेरसोन एक पिंसर मूवमेंट हो सकते हैं, जिससे ये पूरा ईस्टर्न रीजन कट ऑफ किया जा सकता है फ्रॉम द मेन लैंड और द कैपिटल सिटी लैंड यूक्रेन। जैसे ही ये कट ऑफ हो जाएगा उसके बाद रशिया का कब्जा हो जाएगा, कुछ इस तरह की एनालिसिस जरूर आई हुई थी, लेकिन रशिया बैकफुट पे जब चला गया तो उन्होंने पूरा अभी एनर्जी फोकस किया हुआ है टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, और अभी सेवरोडोनेट्स्क लिसिचांग वुड बी गॉन वेरी सून, उसके बाद स्लोवियांस्क और करामाटोर्स्क पे हम लोग और भी ज्यादा भीषण लड़ाई देख सकते हैं दोनों गुटों के बीच। लेकिन जब ये दोनों सिटीज ही फॉलो जाएंगी, वी कैन से दैट रशिया माइट गेट एन एस्केप रूट, जहां पे वो कह सकते हैं कि हम लोगों ने जिस वॉर एम से इसमें इन्वॉल्वमेंट की थी लुहांस्क और डोनेट्स रीजन को लिबरेट करने की, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, सो वी माइट एक्सपेक्ट एन एंड ऑफ वॉर व्हेन दीज टू सिटीज वुड बी कैप्चर्ड इन फ्यूचर। लेकिन जिस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है यूक्रेन के पास, व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट फॉर देम? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी को यह लगा था कि सेवरोडोनेट्स पे लड़ाई नहीं होगी क्योंकि टैक्टिकली इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। यूक्रेन कुड हैव डिफेंडेड देमसेल्व्स एट लिसिचांग, बट यूक्रेन स्टक टू इट, यूक्रेन स्टक टू सेवरोडोनेट्स, यहां पे हम लोग लड़ेंगे कल। अब सिंबॉलिकली सिटी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, स्ट्रेटेजिकली अ मोर इंपॉर्टेंट सिटी वुड हैव बीन लिसिचांग टू डिफेंड, लेकिन इन्होंने चूज किया सेवरोडोनेट्स। यहाँ पे कम पॉपुलेशन थी, युद्ध शुरू होने से पहले 1,00,000 के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन थी, अभी ये कहा जाता है कि केवल 13,000 लोग वहां पे बचे हुए हैं, पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी है। यही कहा वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने भी, सेवरोडोनेट्स्क इज अ डेथ सिटी, नो पीपल देयर, एवरीथिंग इज इन रुइंस, द सेम अप्लाइज टू लिसिचांग ऑल्सो।
सो बोथ द सिटीज विल फॉल वेरी सून, सेवरोडोनेट्स हैज ऑलरेडी फॉलन, मैं कह सकता हूं। लेकिन क्यों यूक्रेन ने यहां पे लड़ाई करने के डिसीजन किए डिस्पाइट नोइंग दैट डिफेंडिंग सेवरोडोनेट्स वुड कॉस्ट देम मोर? क्यों इन्होंने डिफेंड किया? तो इनके कुछ इंटेंशंस होंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं वन ऑफ द इंटेंशंस वाज टू बॉक डाउन रशियन फोर्सेस, क्योंकि यहां पे कंटिन्यूस लड़ाई चली, ऑलमोस्ट एक महीना यहां पे लड़ाई चली। लड़ाई में इनका एक उद्देश्य यह था कि टाइम मिले ताकि वेस्टर्न सप्लाईज और भी आए। इसके अलावा लड़ाई भी चली क्योंकि अगर रशिया की फोर्सेस के ऊपर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर पाएंगे तो रशियन मोरल डाउन कर सकते हैं, ये भी उनका इंटेंशन था। एक और इंपॉर्टेंट इंटेंशन था यहाँ पे कि इट वाज अ फेवरेबल बैटल ग्राउंड फॉर यूक्रेन। टैक्टिकली लिसिचेंको वुड हैव बीन बेटर, लेकिन यूक्रेन के लिए जहां पे वो अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स में बिलीव करते हैं रैदर देन लॉन्ग रेंज आर्टिलरी ऑन ओपन ग्राउंड विच इज बेनिफिशियल फॉर रशियंस, इसीलिए उन्होंने सेवरोडोनेट्स को चूज किया। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो उद्देश्य था कि ऑलमोस्ट लड़ाई एक महीने तक एक्सटेंड हुई सेवरोडोनेट्स में, उसके बाद इवेंचुअली रशिया धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रहा है। तो आगे चल के इसी तरह की हम लोग स्ट्रेटजी और भी देख सकते हैं इन अदर सिटीज लाइक स्लोवियांस एंड कैरामेटोस, यानी कि आगे आने वाले महीनों में भी युद्ध चलेगा। जैसे ही ये दोनों सिटीज कंप्लीटली ऑक्युपाई हो जाएंगी बाय रशिया, दे विल हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट, suggesting they have liberated Donbass. So probably for another couple of months the war will go on, क्योंकि यूक्रेन की स्ट्रेटजी ये रही है कि रशिया को रोक के रखे, वहाँ पे लड़ाई चलाए, रोक के रखे, और वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से एक तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस आए, रीसप्लाई आए, साथ ही साथ वेस्ट की तरफ से प्रेशर बढ़े रशिया के ऊपर, ये उनकी स्ट्रेटजी चल रही है अभी फिलहाल। इसके चलते सम इम्पॉर्टेंट सिटीज आर लेफ्ट, एज आई टोल्ड यू दीज टू सिटीज आर गॉन, दीज टू सिटीज आर लेफ्ट once they are occupied and the war might halt. ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब ये होगा इसके ऊपर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। I hope that you have understood what was the importance of Severodonetsk from this particular discussion. अगर इस पर कोई अपडेट आएगी तो we'll discuss that again on Study IQ. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.